इसकी खासियत यह है कि इसमें आप देखेंगे कि 9 पेटल्स हैं, 9 पंखड़ियां हैं और इसी तरह से नीचे 9 दरवाजे भी हैं। आगे आपको बताएंगे कि 9 दरवाजे और 9 पंखड़ियों क्यों हैं। आज का मौसम वैसे बहुत सुहाना है, बारिश हुई थी, थोड़ी ह्यूमिडिटी है लेकिन मौसम अच्छा है, मंजर अच्छा है। आदाब नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऐसा लग रहा है पूरी दिल्ली यहाँ पर आई हुई है। दरअसल ये मॉडर्न मॉन्यूमेंट है, लोटस टेंपल। आप मेरे पीछे देखिए लोटस टेंपल, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पूरी दिल्ली यहाँ उमड़ पड़ी है। और ये मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स में से एक है, आपने दिल्ली में देखे होंगे कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो 400-500 साल पुराने हैं, लेकिन ये मॉन्यूमेंट्स जो है वो तकरीबन 1986 में बनकर तैयार हो गया था और पब्लिक के लिए जो आज आप देख पा रहे हैं। तो चलिए आपको अंदर दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन हॉल है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से इंफॉर्म ले सकते हैं। आगे अंदर क्या है, क्या हिस्ट्री है इसकी, आगे आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आइए। दोस्तों यह है कालका जी मंदिर, लोटस टेंपल जिसे कहते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो, अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो कालका जी मेट्रो पर आप उतर कर यहाँ से आधा किलोमीटर का डिस्टेंस होगा आ सकते हैं। ये फ्री एंट्री है बिल्कुल, लेकिन मैं एक सुझाव दूंगा आपको, संडे बिल्कुल ना आए, बहुत ज़्यादा रश होता है या आप कुछ देख नहीं पाएंगे इतना अच्छे से। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिए, अच्छी जगह है। सिर्फ एक या डेढ़ घंटे में आप सब कुछ देख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। ये 25 से 26 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन आपको एक रास्ता दिया जाएगा, आप घूम के फिर वापस आ जाएंगे। कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है, खूबसूरत पार्क्स बने हुए हैं लेकिन आप वहाँ बैठ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, नज़ारे कर सकते हैं। उसके अलावा आप बैठ कर इंजॉय नहीं कर सकते, ना कुछ खा पी सकते। आज का मौसम वैसे बहुत सुहाना है, बारिश हुई थी, थोड़ी ह्यूमिडिटी है लेकिन मौसम अच्छा है, मंजर अच्छा है। दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लोटस टेंपल है। ये 24 दिसंबर 1986 को तैयार हो गया था, पब्लिक के लिए खुल गया था। इसकी खासियत ये है कि इसमें आप देखेंगे कि 9 पेटल्स हैं, 9 पंखड़ियां हैं और इसी तरह से नीचे 9 दरवाजे भी हैं। आगे आपको बताएंगे कि 9 दरवाजे और 9 पंखड़ियों क्यों हैं। चलिए आगे चल के बताते हैं आपको। आज अभी बारिश हुई थी लेकिन अभी धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, काफ़ी रश है, लोग आ रहे हैं। देखिए कहीं जगह नहीं है वीडियो बनाने के लिए, भी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और वीडियोस हर जगह बना रहे हैं। आप ये मेरे पीछे देखिए लंबी लाइन देख रहे हैं, लंबी कतार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक मंदिर है, कमल मंदिर के नाम से मशहूर है। ये 24 दिसंबर 1986 को पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। इसके कंस्ट्रक्शन में 5 से 6 साल लगे थे। इसकी हाइट की बात करें तो ये तकरीबन 35 मीटर और जो डायमीटर है वो है 70 मीटर। और उसकी खासियत ये है कि इसमें जो पेटल्स हैं, जो पंखड़ियाँ हैं, वो 9 पंखड़ियाँ हैं एक रो में और टोटल 3 रो हैं, तो कुल मिलाकर 27 पंखड़ियाँ हो गई। और अंदर जाने के लिए भी 9 ही गेट हैं। इसका रीज़न ये है कि ये बहाई रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं और जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने ये बनवाया था।
इस बहाई मजहब की शुरुआत बहीउल्लाह ने 1863 में की थी, जो आज ईरान में है। उनका मानना था कि जो नौ बड़े मजहब हैं, जो नौ बड़े रिलीजन हैं, तो कुल मिलाकर सबकी यूनिटी चाहते थे वो। ये जो लोटस टेंपल है, ये 25 से 26 एकड़ में फैला है। इसमें चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, जो मेंटेन किए हुए हैं बहुत अच्छे से। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो दो शिफ्टेड में है ये, अप्रैल से सितंबर तक सुबह 8 से 6 बजे तक शाम, और अक्टूबर से मार्च तक सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। और ये मंडे टेंपल क्लोज रहता है, तो मंडे आप ना जाएं। तो दोस्तों, आज हमने आपको लोटस टेंपल की सैर कराई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर मिलेंगे किसी और जगह, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।